वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएस एक्सेल के दूसरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिया जा चुका है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए। चलिए आज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर आप ध्यान देंगे बारी बारी से सबको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मर्ज एंड सेंटर द टेक्स्ट रेंज A1 से I1, ऑल्सो मेक टेक्स्ट बोल्ड फॉर दिस रेंज, मतलब AI से A1 से I1 तक। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ तो E से दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा, यानी कि ये A यहाँ पे छिपा हुआ है। तो हम लोग यहाँ नीचे स्क्रॉल बार को इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। अब A1 से AI तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूंगा और इसे बोल्ड बोला गया, बोल्ड करूंगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि इंटेंशनली गलत डाला गया है, क्योंकि आपका IQ लेवल भी टेस्ट हो जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत है तो आप उसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस तरह का रहेगा तो मैं आपको बताऊँगा भी कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्ज एंड सेंटर द टेक्स्ट रेंज A2 से I2। अब A2 वाला ये सेल है और I2 सेम, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसे भी मर्ज एंड सेंटर बोला गया, मर्ज एंड सेंटर कर लिया, और इसे भी बोल्ड कहा गया तो बोल्ड मैंने कर लिया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेट डाटा फॉर्मेटिंग अकाउंटिंग, सेट डाटा फॉर्मेट अकाउंटिंग। अब देखिए इसमें ए बी दो क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, B5 से I14, ठीक है, तो ये हमारा B5 हो गया। अब इसे I14 तक बोला गया, B5 से I14, तो हमने B5 से इसे I14 तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसके फॉर्मेट को अकाउंटिंग करना, तो हम लोग फॉर्मेट जो है होम मेनू के नंबर ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग रहते हैं, इसमें ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके अकाउंटिंग बोला गया, अकाउंटिंग वाले फॉर्मेट में मैंने इसे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा ये फॉर्मेट अकाउंटिंग आ गया, जिसमें से देख सकते हैं डॉलर का साइन बाय डिफॉल्ट लग चुका। अब यही चीज़ सेम B16 से I16 के बीच करना, यानी कि इसे भी सिलेक्ट करना है B16 से I16 को, इसको भी सेम हम लोगों को क्या करना है, अकाउंटिंग फॉर्मेट बोला गया तो अकाउंटिंग फॉर्मेट हम लोग सेम इसको भी एज इट इज कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक द टेक्स्ट बोल्ड फॉर दिस सेल A5 से A14 तक, A5 से A14 तक, A5 है यहाँ पर, A14 तक मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। अब इसके टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम इसे बोल्ड कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है E5 से E14, E5 है यहाँ पे, E5 से E14 तक मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी बोल्ड कर दिया। फिर I5 से I14, I5 से I14, इसे भी सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया। हम लोग चाहते तो एक साथ भी कर सकते थे, आगे मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेक द टेक्स्ट बोल्ड दिस सेल A16, E16 और I16। तो A16 वाला है, इसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब A16 के बाद देखिए हमारा E16 है, तो E वाले में तो हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और इसको भी सिलेक्ट कर दिया। अब फिर इसके बाद I16 बोला गया, तो I16 को हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। अब एक बार मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ तो हमारा तीनों प्लेस पे बोल्ड का फंक्शन लग जा रहा है, लेकिन इसमें सावधानी से काम करना, अगर आप एक बार में नहीं कर सकते तो बारी बारी से आप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, सेट बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर लगाना है रेंज A4 से I14, A4 से I4। अब ये A4 है, यहाँ से I4 है, सिलेक्ट कर लिया, बॉटम बॉर्डर लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर बॉटम बॉर्डर पे हम लोगों ने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, तो हमारा यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लग चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेट डबल बॉटम बॉर्डर रेंज B16 से I16, B16 से बोला गया, तो B वाला कॉलम यहाँ 16, B16 से I16 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेट डबल बॉटम बॉर्डर है तो यहाँ पे क्लिक करके डबल
यहाँ देखिए बॉटम डबल बॉर्डर है, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉटम है, तो यहाँ क्या दिया गया, बॉटम डबल बॉर्डर, तो थोड़ा सा आगे पीछे भी रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या पूछा जा रहा है। अप्लाई फॉर्मेटिंग करना है रेंज M1 से S1 में, M1 से S1, तो अब देखिए यहाँ पे तो आई तक था, तो अब हम इसको स्क्रॉल बार से स्क्रॉल डबल ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग M1 से S1, M1 से S1 को सिलेक्ट कर लिया, इसको मर्जन सेंटर करना, मर्जन सेंटर कर लिया, नेक्स्ट बोला जा रहा बोल्ड करने के लिए बोल्ड कर लिया, फॉन्ट साइज 12 बोला जा रहा 12 कर लिया, यानी कि तीनों क्वेश्चन का यानी इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, मेक द टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करना, अलाइन हॉरिजेंटली सेंटर, अलाइन को हॉरिजेंटली सेंटर करना, N4 से S4, N4 ये वाली है, S4 तक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए अलाइनमेंट बोला गया ना हॉरिजेंटली सेंटर, तो अलाइनमेंट में है तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ इसको ड्रैग करके ओपन कर लेंगे और बॉक्स को, अलाइनमेंट यहाँ पे आ गया, इसमें हॉरिजेंटली सेंटर बोला, हॉरिजेंटली जनरल है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेंटर कर लेंगे, हॉरिजेंटली सेंटर कर दिए, ठीक है। टेक्स्ट को बोल्ड बोला गया, पहले सेंटर कर लेते हैं, इसके बाद बोल्ड हम लोगों ने क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं हॉरिजेंटली सेंटर सिंपल इसे भी हम लोग क्लिक करके कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने एक्सपेंड करके रिक्स नहीं लिया, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द फॉलोइंग सेल बोल्ड, बोल्ड करना है M6, M9, M6 वाले को, M6 को मैंने सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड बोला, बोल्ड कर दिया, M9 बोल रहा था, फिर M9 को सिलेक्ट किया, इसे भी बोल्ड कर दिया, M13 बोल रहा, कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिया, फिर M15 बोला जा रहा, इसे भी सिलेक्ट कर लिया, M23 बोला जा रहा, फिर माउस को ड्रैग करके M23 को हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं, M25 बोला गया, M25 को भी सिलेक्ट कर लिया, एक साथ बोल्ड हो जाएगा, हम लोग अगर क्लिक कर देंगे तो आपका हाथ साफ होना चाहिए। अप्लाई बॉटम साइड बॉर्डर N9 से S9, 9 वाले पर आ जाएंगे तो N9 से S9 तक, ठीक है, N9 से S9 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अप्लाई बॉटम साइड बॉर्डर, तो अप्लाई बॉटम साइड बॉर्डर बोला तो बॉटम साइड लगा दी। N23 से सेम चीज़ है, N23 से कहाँ तक बोला गया, S23 तक, S23 तक भी बॉटम बॉर्डर था, बॉटम बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, डबल बॉटम बॉर्डर N25 से, N25 से कहाँ तक बोला गया, S25 तक, S25 तक डबल बॉटम लगा देना है, तो मैंने डबल बॉटम बॉर्डर लगा दिया, और इसे बोल्ड भी करना था टेक्स्ट को, तो मैंने इसे बोल्ड पे, बोल्ड करना था इसे बोल्ड भी कर देता हूँ, चलिए मैंने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर दिया। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और अच्छे से समझ के कार्यों को करेंगे। फिल द येलो कलर रेंज M1 से S29, M1 यहाँ सेलेक्ट किया, S29, तो S29 29 वाली ये है एस तक है, तो शिफ्ट के साथ मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं, फिल कलर येलो बोला, यहाँ से मैंने येलो कलर को फिल कर दिया, तो हमारा यहाँ पे येलो कलर लग चुका है। तो यह इस तरह से हमारा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी कुछ अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है समझ में तो फिर से आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।